Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज कारगिल विजय दिवस है और इसकी 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के कारगिल पहुंचे और उन्होंने 1999 के जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आखाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके आतंकी मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वार के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो बयान भी सुनिए। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शेकुन लॉ टर्नल प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। इसके ब्लास्ट से उन्होंने शुरुआत की। शेकुन लॉ टनल प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर लंबी बनाई गई है और यह टनल लेह को सभी मौसम से कनेक्टिविटी देगी। काम पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। अब इस शेकुन लॉ टनल की खासियत भी समझिए। शेकुन टनल 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और दुनिया के सबसे लंबी टनल है। इसकी ऊंचाई 4.1 किलोमीटर। यह टनल एक ट्वीब टनल है, यानी कि दो मार्गों वाली टनल। इसका निर्माण BRO द्वारा जम्मू पदम दारचा में किया गया है। राजनीतिक रूप से भी देश भारत चीन की सीमा पर फोकस कर रहा है और कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा चारिद्वार तवांग मार्ग पर 825 करोड़ रुपए की लागत से सेला सुरंग बनाई गई थी और यह सुरंग 13,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर बनाई गई। युद्ध की स्थिति में यह सुरंग न केवल आसानी से आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि युद्ध के समय हथियारों, मिसाइलों और ईंधन के भूमिगत भंडारों के लिए भी उपयोग में आ सकती है। दुश्मनों से आसानी से निपट जाए, इसको लेकर भारत सरकार पिछले 5 सालों से लगातार डेवलपमेंट पर ध्यान भी दे रही है। 2019 में चीन के साथ गलवान में झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही टनल बनाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। शेकुन लॉ सुरंग एक ट्वेब टनल डबल टनल सुरंग होगी, जिसमें 500 मीटर का क्रॉस रोड होगा। सुरंग की विशेषताओं में सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा अधिग्रहण प्रणाली, SCSDA, मैकेनिकल वेंटिलेशन, फायर ब्रिगेड और कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। पीएमओ ने एक बयान में यह भी कहा है कि शेकुन लॉ सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जांसकर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करेगी।
सड़क पर कनेक्टिविटी भी हासिल होगा। विशेष रूप से लेह के लिए दो मौजूदा धुरी में है, पहले श्रीनगर जोजिला कारगिल लेह और दूसरी मनाली अटल सुरंग सरचू ले। इसमें उच्च सबसे ऊंचाई दर्जे वाला साल 4 से 5 सालों तक बर्फ से ढके रहते हैं। अटल सुरंग के पूरा होने इसके साथ मनाली के दारचा का काम भी पूरे हो जाएंगे। पहले भी इसकी शुरुआत इसी साल होली में की गई थी और अब ये सबसे छोटी धुरी वाला सुरंग है जो इस टनल से गुजरेगी। 16,700 फीट की ऊंचाई भी है। श्रीकुन लॉ सुरंग परियोजना 16,700 फीट की ऊंचाई पर है जो कि बर्फ से ढका रहता है और इस वजह से वह लगभग 5 महीनों तक कटा रहता है। इससे कनेक्टिविटी कटी रहती है। लद्दाख में हर मौसम से कनेक्टिविटी हासिल करने में बची एकमात्र बाधा को दूर करने के लिए बीआरओ ने श्रीकुन लॉ सुरंग परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। अब इसकी लंबाई के बारे में विस्तार से समझिए कि श्रीकुन लॉ सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है और इसका निर्माण निम्बू पदुम दारचा रोड पर 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा जो कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग भी बनाएगी। सुरंग से 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी बच जाएगी और यात्रा का समय लगभग 30 मिनट कम हो जाएगा। श्रीकुन लॉ सुरंग प्रत्येक 500 मीटर पर क्रॉस मार्ग के साथ ट्रेन ट्वेब डबल लेन सुरंग होगी। व्यापार से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लद्दाख में व्यापार पर्यटक और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी यह परियोजना काफी लाभदायक होगा और हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेजी और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने में भी मददगार है और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी को भी कनेक्ट करेगी। इसके अलावा भी कई सारी बातें इस सुरंग के बनने से आसान हो जाएगा। पर्यटक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, लद्दाख को भी काफी फायदा होगा, लोगों के आजीवन में भी सुधार देखने को मिलेगी। फिलहाल इस टनल की शुरुआत हो गई है और जैसे जैसे इस पर कोई अपडेट आएंगे तो न्यूज़ तक आपको हर वक्त जरूर बताता रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।